जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस का जो फंक्शन है वो आने वाला है और आज पूरे जो कश्मीर के सभी वादी सभी जिलों में इसकी ड्रेस रिहर्सल और बाकी जो सिक्योरिटी रिहर्सल है उसका इनकार हुआ और फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है और बाकी जिलों में भी 15 अगस्त के दौरान जो अपने कल्चरल प्रोग्राम्स और मेन इवेंट्स होंगे उसके लिए बड़े पुख्ता सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा और जगह जगह काफ़ी रेगुलेटरी नाके और उस टाइप के रहे हैं। तो यहाँ पे भी मल्टीपल टीयर सिक्योरिटी इंतजाम है तो 15 अगस्त को भी इसी तरीके के इंतजाम हैं। जी सर, जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है पूरे जम्मू कश्मीर में, अगर जम्मू की बात करें अभी उधमपुर का रिसेंटली स्टेट, डू यू थिंक दैट इट्स रियली अ चैलेंजिंग एंड स्पेशली अबाउट पॉलिटिकल मैसेज स्पेशली। देखिए, जब भी जैसा आप जानते हैं कि इस टाइप के सिक्योरिटी अरेंजमेंट होते हैं तो ऐसी चीजों को नजर में लाके ही सिक्योरिटी इंतजाम होते हैं ताकि वो काफी पुख्ता रहे और फूल प्रूफ रहे। सर, देयर आर इंटेलिजेंस इनपुट्स के अभी जम्मू में जो सिक्योरिटी बीपक हुआ है विशेष करके बांग्लादेश में, अभी जो मिलिटेंट्स हैं वो अपने पंजाल के जरिए से साउथ कश्मीर पहुंचना चाहते हैं और क्या सिक्योरिटी अभी बनाई गई है क्योंकि अभी एनकाउंटर भी चल रहा है। अभी जैसा आपने बोला कि वो वाला जो ऑपरेशन है अभी अपने इख्तितामी मरहले पे नहीं पहुंचा है, अभी वो रवा है ऑपरेशन। और इस टाइप की चीज़ें हम लोगों को, जैसा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इस टाइप का अंदाजा या इंफॉर्मेशन रहती है तो उसी के कारण इस टाइप के ऑपरेशन हो पाते हैं। तो लिहाजा हम लोग इन चीज़ों के प्रति काफ़ी सचेत और विजिलेंट हैं। काफ़ी इनपुट्स आए हैं 15 अगस्त को लेकर, विशेषकर क्या चीज़ें चल रही हैं देखिए एडवर्सरी इस टाइप की कोशिशें करता रहता है, बट जैसा आपको बोला है कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट उसी के हिसाब से जो है मीटर्ड या टोन्ड अप होते हैं। थैंक यू।